फैटी एसिड्स, फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड्स द आर मेल्टिंग एंड पॉइंट्स एंड सॉलबिलिटी कार्बन चेन इन फैटी एसिड्स सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेट फैटी एसिड्स फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो फैटी एसड जो है दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लिपिड्स जैसे जब हम बात करते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स की तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोज है सिमिलरली जब लिपिड्स की बात करते हैं लिपिड्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मालिक्यूल है वो फैटी एसड्स हैं फैटी एसड्स ही एक्चुअल वो मालिक्यूल है जिस उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी है मैक्मम एनर्जी प्रोवाइड करनी है फैटी एसड ही एक्चुअली वो मालिक्यूल है जिसने डिफरेंट मेम्ब्रेंस बनानी है बाकी मोर कम्पोनेट्स भी हैं लेकिन इसमें मेजर कंपोनेंट जो है फैटी एसड्स होते हैं तो फर्स्ट विल सी दा कि फैटी क्या हैं दे आर एक्चुअली लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन आ सी डब्बलो एच ग्रुप एट देर एंड या इसको हम क्या कह सकते हैं कि फैटी आर लॉन्ग चेन विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट देर वन एंड सी डब्लो एच ग्रुप इज एक्चुअली द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको बोलते हैं फैटी एसिड्स अब हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब कि पूरी चेन के अंदर सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है दो ही चीजें हैं तो सो फैटिएसड दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब इसमें कोई और बॉन्ड है वो नहीं है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फैटीएसड चेन ऑक्सीजन जो है एज इन दम ऑफ सी डब्ल्यू ए कार्बो ग्रुप के फार्म में मौजूद है जो सिर्फ एक एंड के ऊपर मौजूद होती है जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद है इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हाफ होते हैं अगर सेम साइज का कार्बोहाइड्रेट है सेम साइड का हमारे पास फैटी एसिड है तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फैटी एसिड के मुकाबले हाफ नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे जबकि लिपिड्स के अंदर डबल अमाउंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे वट इज ऑफ फैटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फैटी का क्या साइज हो सकता है इन ब्रॉड रेंज अगर हम देखें तो फैटी रेंज फ्राम फोर कार्बन फैटीड टू थर्टी सिक्स कार्बन फैटीएसड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल फैटी है वो फोर कार्बन का है सिक्स का है एट का इस तरह करके मौजूद है और जो बड़े वाला है वो कितना है थर्टी सिक्स का है लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट हैं जो ज़्यादातर मिलते हैं वो वो कार्बो फैटीएसड है जिनके अंदर फोर्टीन से ट्वेंटी तक कार्बन मौजूद हैं यानी फोर्टीन कार्बन से ट्वेंटी कार्बन वाले जो फैटीएसड्स हैं दे आर मैक्सिम इन द लिविंग ऑर्गेनिजम अच्छा यहाँ एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी हम एसिड का जिक्र करते हैं तो हम इवन नंबर का जिक्र करते हैं हम ये नहीं कहते फाइव सेवन या नाइन कार्बन फैटीएसिड फाइव नहीं कहेंगे हम या फोर कहेंगे या सिक्स कहेंगे इसकी वजह यह है कि जितने भी फैटीएसड है मोस्ट ऑफ देम वो हमेशा इवन नंबर जो है वो कार्बन उनके अंदर होते हैं फोर सिक्स एट ट्वेल्व फोरटीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी सो वन उसकी रीजन यह है कि जब को फर्टीसाइज होता है ना, एट वन टाइम दो कार्बन ऐड होते हैं, हमेशा दो, दो का इजाफा होता तो है प्लांट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं लेकिन एनिमल्स में हमें और जो इवन नंबर फैक्टिश नंबर वाले एसिड्स मिलते हैं दो अगर स्ट्रक्चरली उसमें देखें तो दो मेजर जो है वो उसके कैटेगरीज बनाते हैं एक फैटी फैटीसर वो है जिनको हम फैटी फैटिएसर कहेंगे दूसरे वो हैं जो अनसेचुरेटेड फैटी है फैटी फैटिएसर्स वो हैं जिसमें तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है जबकि फैटी फैट वो हैं जिनके मालिक्यूल में कहीं एक या दो या तीन पोजिशन के ऊपर डबल बॉन्ड मौजूद है जैसे एक डायग्राम आप आपको देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक फैटी एसिड है वो तो बिल्कुल स्टेट चेन की फार्म है वो सेचुरेटेड है जबकि ये थोड़ा सा जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये शो कर रहा है कि दो कार्बन के देना डबल बॉन्ड मौजूद है तो जब किसी भी फैटी एसिड में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर हम इसको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे अच्छा अनसेचुरेट फैटी एसिड की खास जो पहचान ये भी है कि सेचुरेटेड फैटी एसिड आमतौर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते है, पे। हैं रूम टेम्परेचर पर जबकि जो अनसेचुरेट हैं वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फार्म में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कुकिंग ऑयल हम लेते हैं कुकिंग ऑयल लिक्विड होता है जबकि घी जो होता है वो सॉलिड होता है उसके रीज़न ये है कि घी के अंदर सेचूरेटेड फैटीसर्स होते हैं जबकि जो कुकिंग ऑयल है उसके अंदर अन फैटी फैट्रिएसर्ड्स होते हैं अच्छा यहाँ मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि फैटी फैटीसर जो हैं वो लिक्विड फार्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं उसकी बेसिक रीजन ये है कि अगर हम फैटी फैटीसर को थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एक किंक बन रहा है एक यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है थोड़ा सा इसके अंदर एक जाओ बेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमेशा जब डबल बॉन्ड आता है तो मालिक्यूल के दरम्याट बेंट आ जाता है इसके साथ इसका एक थ्री डी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसने अगर हम इसको देखते हैं बकायदा एक बेंट शो किया हुआ जबकि जो सेचूरेटर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है उसके अंदर किस तरह जबकि इसके अंदर एक बेंट जाओ वो पाया जाता है अब जब फैटी एसिड में बेंट आ गया तो ये फैटी एसिड क्लोजली पैक नहीं होगा तो जब फैटी एसिड क्लोजली पैक नहीं होंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में अटेन नहीं आ सकते इसलिए जो अनसेचुरेटेड एसिड्स होते हैं वो क्लोज क्लोज नहीं होते टाइटली पैक नहीं हो पाते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में ही रहते हैं चूंकि मालिक दौरान जब गैप बढ़ जाता है तो उसको हम सॉलिड फॉर्म में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है वो तो गैस में आ जाते हैं लेकिन रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा गैप हो जाता है फिर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर हम इसका देखें तो मेल्टिंग पॉइंट्स जो फैटी एसिड्स के जो हैं और सॉलिबिलिटी जो है मेल्टिंग पॉइंट्स साइज़ बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होता है यानी अगर एक फैटी एसड है वो फोर कार्बन है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो हुआ जो फोर के बाद सिक्स या एट वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो जैसे जैसे फैटी एसिड्स इंक्रीज करता चला जाता है उसके उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ करता चला जाता है जबकि सॉलिबिलिटी जो है वो इसके रिवर्स चलती है स्मॉल फैटी एसिड किसी हद तक वाटर के से इंट्रेक्ट करते हैं जैसे जैसे फैटी एसिड का साइज इंक्रीज़ करेगा सोलिबिटी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी डबल बॉन्ड होता है ये भी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करेगा